हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बेहद कारगर घरेलू नुस्खा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बालों को जल्दी से लंबा, घना और मोटा बनाने का एक ज़बरदस्त आसान सा घरेलू उपाय, जिसका यूज़ करके दोस्तों आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम ईजिली कम हो जाएगा। साथ में ये उपाय दोस्तों आपके बालों को तेज़ी से लंबा करता है, उसको मोटा, घना, काला बनाता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, दो मुहे बालों की समस्या है, तो इसके इस्तेमाल से वो बहुत आसानी से चले जाते हैं। वीडियो क्लास में दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपने बालों से प्यार करते हैं, उसको लंबा, घना और उसको हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो मेरे टिप्स को जरूर सुनिएगा जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि इस हेयर मास्क को आपको कैसे बनाकर इस्तेमाल करना है। आपको लेना है एक खाली कटोरी और इसमें दोस्तों आपको आधा कटा हुआ नींबू का रस डाल लेना है। अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, बालों को घना करना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने बालों की जड़ों को अच्छे से क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो नींबू का रस है, ये हमारे बालों की जड़ों में जो भी धूल मिट्टी और जो भी पॉल्यूशन या फिर तेल जमा होता है, उसको ये बाहर निकाल देता है और हमारे बालों की जड़ों को पूरी तरह से क्लियर कर देता है, साफ़ कर देता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें खुल के सांस ले पाती है, वहाँ पर अच्छे से ऑक्सीजन पहुँच पाता है और बालों को ये हेल्दी बनाता है। तो इस तरह से आपको आधा नींबू का रस यहाँ पर लेना है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे लेनी है दोस्तों, वो है लगभग एक चम्मच नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। नारियल के तेल में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है, इसमें फैटी एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नारियल का तेल लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है दोस्तों, वो है लगभग एक चम्मच एलोवेरा का जेल। अगर आपके घर पर या फिर घर के अगल बगल एलोवेरा प्लांट है, तो आप उसका जेल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आपको इन तीनों को मिलाना है। ये देखिए, लास्ट में हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ले रहे हैं दोस्तों, जो आपके बालों को काला करेगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, नए बालों को उगाएगा, साथ में आपके बालों को घना करेगा। आपको यहाँ पे लास्ट में लेना है दोस्तों लगभग एक चम्मच जिंजर पाउडर, यानी कि जो अदरक होता है उसका पाउडर आपको लेना है। आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। आप चाहें तो अदरक को सुखा लीजिए, उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए, या फिर आप मार्केट से भी जिंजर पाउडर, यानी कि जो अदरक का पाउडर हो, जिसे सॉल्ट भी कहा जाता है, उसको आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन सबको एक बार मिलाना है आपको। अगर आपका पेस्ट जो है थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए, तो आपको थोड़ा सा इसमें पानी मिलाना है, ताकि ये अच्छे से मिल जाए आपस में। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। तो आपको क्या करना है कि नहाने से एक घंटा पहले आपको अच्छी तरह से अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है। अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगाने के बाद आप पूरे बालों में इसको लगा लीजिए और एक घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। जब एक घंटा पूरा हो जाए, तो किसी भी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को साफ कर लीजिए। तो दोस्तों अब टाइम है वो इंपॉर्टेंट टिप्स बताने का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह के सिंपल और इफेक्टिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वो इंपॉर्टेंट टिप्स है सोया बड़ी या फिर सोयाबीन, जो हमारे घर में अक्सर मिलते हैं और बहुत आसानी से मार्केट में भी मिल जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि जो हमारे बालों की ग्रोथ है, उसमें 80 से 90% जो रोल होता है वो डाइट का होता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं। लेकिन हम खाना पीना पर ध्यान देने के बजाय सीधा बस बालों में लगाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। खाने पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सोयाबीन जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन, मैग्नीशियम भी होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग एक छोटी कटोरी सोयाबीन रोज आप सेवन कीजिए, आप देखेंगे आपके बालों की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है दोस्तों, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।